भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। दो चीजें जिनके जीवन में नहीं होती वो रुचियों के पास होते हैं, कौन सी दो चीजें? दमन और निग्रह। दमन और निग्रह दो चीजें। कभी दमन किया है अपना कि हम दमन करेंगे, दम सम दम? कभी डांटा डपटा है अपने को? कभी निग्रह किया है? अगर निग्रह नहीं किया है आपने, दम दमन नहीं किया है, सम दम आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ है आप रुचियों के पास हैं, टेस्ट के लिए जीवन जी रहे हैं। टेस्ट हमारे इसमें टेस्ट है, ये बड़ा टेस्टी लगता है अपने को, तो ये अच्छी लगती है चीज। तो जो समदम जिनके जीवन में से निकल गया है, जो निग्रह नहीं कर पाते, वो रुचियों के पास खड़े होते हैं। और निग्रह में डांटना पड़ता है कभी, जैसे छोटे बच्चे को डांटते हैं। दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, तीसरा नहीं अच्छा लगता। एक है लालन, दूसरा है पालन, और तीसरा है ताड़न। एक है लालन, एक है पालन, और तीसरा है ताड़न। एक बच्चे को कभी ताड़ा भी जाता है, लालन पालन करते करते अगर आपने ताड़न नहीं किया है, ये बताया जाता है, ऐसे नहीं बैठोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, तो जब आप उसे बताएं ये नहीं करोगे, तो कभी क्या आपने अपने मन को बताया ये नहीं करोगे? ये नहीं कर सकते आप। तो कितना मात्रा में ताड़न किया है आपने अपना, कितनी मात्रा में निग्रह किया है आपने अपना, कितनी मात्रा में दमन किया है आपने अपना, कितनी मात्राओं में वर्जनाओं का सम्मान किया है आपने, कितनी मात्राओं में आपने अपने को रोका है कि ये बस मर्यादाएं हैं, इसके आगे नहीं हम लांग सकते अपने को। तो लालन पालन तो हम करते रहते हैं अपने मन का, ताड़न नहीं करते, निग्रह नहीं करते, दमन नहीं करते। और एक सीधी सीधी बात है, जिसके पास धर्म नहीं है वो अंकुश नहीं रख सकता। धर्म अंकुश है। अंकुश ये एक ऐसा शब्द है जो हाथी को नियंत्रित करता है। अंकुश एक ऐसा शब्द है कि वो वहीं मर्मस्थल पर मारा जाएगा। हाथी के मस्तक में एक जगह ऐसी होती है जहां वो बार बार ठोकर मारता रहता है। आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि हाथी को बाएं ले जाना है, दाएं ले जाना है, ये पैरों से बताया जाता है। हाथी के मस्तक पर पैर मारा जाता है एक जगह पर। महावत को पता है कि कौन सी जगह पैर मारना है कि हाथी बाईं ओर चले, कौन सी जगह पैर मारना है कि दाईं ओर चले, पर वो लगभग इतनी सी जगह होती है बस, एड़ी जितनी जगह, एड़ी में जितनी जगह हमारी एड़ी में, उतनी वो हाथी के मस्तक में जगह होती है जहां पर एक ही एड़ी से दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं चोट मारी जाती है। अगर बाएं जगह चोट मारी है एड़ी से, इसका अर्थ ही है कि हाथी बाईं ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। और आपने धमक, तीन चार धमक लगा दिए, इसका मतलब है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हाथी बैठ जाएगा। हाथी को कब बैठाया जाता है? बैठ जाइए महाशय, ऐसे ना। वो महावत को पता है कब बैठाना है हाथी को। हाथी के मस्तक के बीचों बीच वो जो एड़ी जितनी जगह है, वहां तीन चार बार वो बार बार एड़ी से प्रहार करता है, बैठ जा। और तब हाथी धीरे से बैठने लगता है। और महावत को मालूम है कभी नहीं बैठेगा, तो और मारता है, वो और मारता है, उसे मालूम है अब बैठ जाएगा। आपका हाथी कब बैठेगा? कभी चोट मारी एड़ी से? अगर भैया मान लो मन ऊंट की तरह से है, तो कभी नकेल डाली उसमें? क्योंकि ऊंट जो है नकेल से काबू आता है, अंकुश से नहीं। और मान लो मन घोड़ा हो, तो कभी आपने उसमें वलगाएं डाली हैं, उसके मुंह में छलनीदार, उसकी जिव्या छिल सके, ऐसा कोई लोहे का सिकंजा उसके मुंह में डाला है, लगाम कभी डाली है? तो घोड़ा लगाम से ठीक होता है, ऊंट नकेल से ठीक होता है, और हाथी अंकुश से ठीक होता है। कभी आपका मन ऊंट बन गया है तो कैसे ठीक करना है, मन हाथी बन गया तो कैसे ठीक करना है, और मन घोड़ा बन गया है तो कैसे ठीक करना है, आगे चलो और मन बच्चा बन गया है तो कैसे ठीक करना है।